सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और अलग टाइप की मैंगो ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी इस टेक्निक से ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपकी फेल हुई ग्राफ्टिंग भी फिर से सक्सेस हो जाएगी। तो ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये जो प्लांट देख रहे हैं इस पर मैंने कुछ दिनों पहले स्टोन ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन वो ग्राफ्टिंग फेल हो गई। तो मैंने उस ब्रांच को कट करके निकाल दिया और इसके बाद इस ब्रांच के नीचे से इस तरीके से इतनी सारी ब्रांचेस ग्रो हुई है। तो अभी मैं इन सारी ब्रांचेस को एक साथ करके इस पर मैं ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। तो इस पर ग्राफ्टिंग करने के लिए मैंने अल्फेंसो वैरायटी के मैंगो ट्री की एक ब्रांच ली है और ये जो ब्रांच है ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है। तो सबसे पहले मैं इसकी सारी पत्तियों को कट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से एक साथ दो तीन अंकुरण भी निकलने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने इस ब्रांच को चूज़ किया है। तो ये ब्रांच थोड़ी सी लंबी है तो इसलिए मैं इस ब्रांच को यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं ब्लेड से इसके ऊपर फिर से एक और कट लगाऊंगा ताकि ये जो कट है वो बिल्कुल फ्लैट रहे। और इसके बाद ग्राफ्टिंग नाइफ से इस पर मैं राउंड शेप में कट लगाऊंगा जैसे हम एयर लेयरिंग करते वक्त लगाते हैं। और कुछ इस तरीके से राउंड शेप में कट लगाने के बाद मैं इस छाल को नीचे से इस तरीके से निकाल दूंगा। तो इसी तरीके से मैं इसकी पूरी छाल को राउंड शेप में निकाल दूंगा। और छाल निकालने के बाद आपको यहाँ पर अपने हाथों से टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। और जैसे हम एयर लेयरिंग करते वक्त ग्राफ्टिंग नाइफ से इस पर हम क्रश करते हैं वैसा भी इस पर हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी कैम्बियम लेयर डैमेज हो जाएगी और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो बस आपको कुछ इस तरीके से इसकी ऊपर वाली छाल को ही निकालना होगा और जहाँ पर भी थोड़ा ग्रीन लगे तो उस छाल को भी आप कट करके निकाल दीजिए। और इसके बाद मैं इस मैंगो प्लांट की सारी ब्रांचेस को एक साथ पकड़कर एक साइज में कट कर लूँगा। और इसके बाद मैं इन सारी ब्रांचेस पर कुछ इस तरीके से ब्लेड से साइड में कट लगाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन सारी ब्रांचेस पर कुछ इस तरीके से कट लगा दिया है। और इसके बाद इस राउंड शेप में कट किए हुए सायन ब्रांच को मैं इसके बिल्कुल बीच में लगाकर इस पर मैं ग्राफ्टिंग टेप से रैप कर दूंगा। तो इस पर मुझे ग्राफ्टिंग टेप रैप करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस थी, तो इसीलिए मैंने इन सारी ब्रांचेस को एक करके इस पर पहले गांठ लगा दी और इसके बाद मैं इन सारी ब्रांचेस को सही जगह पर लगाकर इसके ऊपर से ग्राफ्टिंग टेप को रैप कर दूंगा।
तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्टली ग्राफ्टिंग टेप को रैप कर दिया है। और आपको भी ध्यान रखना है कि आप जो भी ग्राफ्टिंग करेंगे तो उसके ऊपर आपको इसी तरीके से सॉफ्टली ग्राफ्टिंग टेप को रैप करना होगा, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग टेप को टाइट रैप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाए। तो ध्यान रखिए कि आप जब भी ग्राफ्टिंग करेंगे तो ग्राफ्टिंग पोर्शन पर बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्टली ग्राफ्टिंग टेप को रैप करिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेस हो सकती है क्योंकि ये जो प्लांट है ये पहले से ही पॉलीबैग के अंदर लगा हुआ है, इसका रूट सिस्टम बना हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये ग्राफ्टिंग बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाए। और इसके बाद इसके ऊपर से मैं एक प्लास्टिक का कवर डाल के उसे नीचे से बांध दूंगा, और कवर डालने के बाद मैं इस प्लांट को पॉलीहाउस के अंदर रखने वाला हूँ। तो गाइस अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं इसमें से एक साथ 4-5 अंकुरण भी निकल रहे हैं। अभी मैं आपको इस वाली प्लास्टिक कवर को निकाल के दिखाता हूं। और इस तरीके की टेक्निक मैंने पहली बार ही ट्राई की है। अगर आपका भी कोई फेल हुआ मैंगो का प्लांट है और उस पर इसी तरीके से ब्रांचेस ग्रो हुई है तो आप उस प्लांट पर इस टेक्निक से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हम अभी इस ग्राफ्टिंग को 100% सक्सेसफुल नहीं मान सकते क्योंकि अभी तक इस अंकुरण में से पत्ते ग्रो नहीं हुए हैं, और आप यहां पर कैम्बियम लेयर की ग्रोथ भी देख सकते हैं। और इस ब्रांच के नीचे से और भी छोटे छोटे अंकुरण ग्रो होने लगे थे तो उन्हें मैंने कुछ इस तरीके से निकाल दिया। तो गाइस अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं इसके पांचों के पांचों अंकुरण बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो 100% सक्सेस हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ग्राफ्टिंग इसीलिए सक्सेस हुई है क्योंकि हमने डायरेक्टली कैम्बियम लेयर के ऊपर ही ब्रांचेस को लगाकर ग्राफ्ट किया है, तो इसी वजह से ये जो ग्राफ्टिंग है वो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो गई है। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 16 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके तीन मेन अंकुरण में से पत्तियां बड़ी होनी शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो ग्राफ्टिंग है वो 100% सक्सेस हो रही है। तो आप भी इस टेक्निक से अपने फेल हुए मैंगो प्लांट पर ग्राफ्टिंग करके ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और ये ग्राफ्टिंग टेक्निक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसकी ग्राफ्टिंग टेप निकालने के बाद का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये ग्राफ्टिंग टेक्निक कैसी लगी। अगर आप सितंबर मंथ में मैंगो ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, या फिर आप एक साल पुराने मैंगो प्लांट पर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।